ये मेरे पास जो किताब है अल इराकिया अनिल अस अत लाहौरिया लाहौरी सवालों के इराकी जवाब पहले भी ये मसला बना था लाहौर में उस वक़्त लाहौर से सवालत भेजे गए थे बगदाद शरीफ कि यहाँ के लोगों ने कहा कि कुछ इधर बीमारी फैल गई है बुक जमाविया दी अल्लाह तनों की कि हो के सुनी बातें उल्टी करते हैं तो हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह तन के जो सजा नशीन थे उस वक़्त उन्हें कहा गया कि कोई हमें इस सिलसिला में हिदायत नामा दो तो उन्होंने ये इमाम आलूसी से किताब लिखवाई जिनकी तफसीरमानी है जो सवालत आए दरबार हजरत गौ से पाक पे उसमें है मा कौल दीन व इमतमसम व मुर्शदी तरीका व जामी शरीयी मिनसाकिनी दार्लाम व मुजावरी हजरत आलम आलाम अलगौसर रब्बानी वलहिकमदानी शेख क़ैलानी खुद ससिरहू ये लिख के फी जमातिन मा कौल फी जमा इन लोग के बारे में ओलामा का क्या हुक्म हैलमा बगदाद का किन के बारे में फी जमातिन जहारू फी बिला देना लाहौर ऐसी ही जमात के बारे में कि जो हमारे बिलाद में लिखा है यको बिलाद लाहौर कि हमारे लाहौर और गिर्दो नवा में एक ऐसे टोला बन गया है यज अमून अन्ना मिनाल सुन्ना दावेदार ये है कि हम सुन्नी हैं चलो वैसे ही गमेशा हो तो कोई बात नहीं लेकिन बोर्ड दाता साहब का लगाया हुआ है यज अमून अन्ना हम वो ये गुमान करते हैं कि वो अल्ले सुन्नत से हैं लेकिन वह ये सब था रदी अल्लाह तुम सिहाबा को गालियां देते हैं खसूस का मुआविया हजरत मुआविया रजियाल्ला को गालियाँ देते हैं कि इन्होंने मौला अली रजियाल्ला से जंग की थी यानी जो अब भी फितना कुछ सादात जो हैं वो उठा रहे हैं जबकि सरकार की नस्बत का ख्याल रखें तो फिर मोहब्बत का सबब एक है तो मोहब्बतें भी एक हैं वो मौला तुम की मोहब्बत हो यह हजरत मुआविया रजिया की मोहब्बत हो माजी में भी ऐसा फितना उठा था और बगदाद शरीफ से जवाब आया था तो ज़ाहिर है कि जब जवाब लाहौर में पड़ा जाना था तो गालियां इमाम आलूसी को निकलनी थी यहां जो बिगड़े हुए लोग थे तो इन्होंने कहा कि फ़लम अरा बुद्धमिनतिसमर मन औ जब आता कहते हैं पहले तो मैंने काफ़ी मसरूफ़ीत और वक्त तंग था कुछ कहा कि कोई और ही लिखे लेकिन फिर मुझे ये हदीस सामने आई मन सोलाता महू उल जिम बेलिजाल मन्नार उल जिमा बेल मिन्ना मन्नार के रसूल पाक सल्ला वसम ने फरमाया है कि जिससे पूछा गया मसला और उसने इलम छुपाया तो उसको क्यामत के दिन आग की लगाम दी जाएगी तो हमारा भी ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि ये सारी चीजें हम किताबों में पढ़ के फिर भी लोगों को ना बताएं और ना बताने का सबब सिर्फ ये है कि गालियाँ निकालेंगे करमल्ला वफात ही ये जो गालियां देने वाले लोग करते हैं कि वो मंबरों पे गालियां निकलवाई जाती थी इन्होंने लिखा वमा यज कुर्रखन ये जो मर्रखी ने लिखा है अपनी किताबों में मेंदी अल्लाह काना याका फिल अमीर अमीर है अली रदियल्लाहु करम बाद वफाति कि वो उनके बारे में नाजेबा अल्फाज बोलते थे या इस तरह की चीजें कहा जिन्होंने ये लिखी हैं या जो बयान करते हैं मिम्मा ला यंबगी युअव्वला अलैहि और युल्तफता इलैहि का ये वो चीजें हैं जिधर देखने ही नहीं चाहिए और इन पर एतमाद नहीं करना चाहिए युअव्वला अलैहि इन बातों पर क्यों कहते लिअन्न अल मुअर्रखीन यनकुलून मा खबुसा वताबा के मुअर्रख जो है पाक पुलिस सब कुछ लिख देते हैं मर्रखीन यानि कुलून न मा खाबूसा व तोबा खाबूसा जो खबीस चीज है तोबा जो तैयब है कि मर्रखीन का क्या है वला यूयू नई नही है वल मधु है वहीफे और वो इम्तियाज ही नहीं करते कि सही क्या है गड़ी हुई बात क्या है और जयफ क्या है वह अक्सर हम हाथ बोलेन लाहरी या मा याओ कहा इनमें से अक्सर वो हैं जो उस बंदे की तरह हैं जो रात को लकड़ियां चुन रहा हो दिन को चुने तो पता चले कि खुश्क कौन सी है तर कौन सी है फल मकामिल खतर व वार तरीके ऐसे मकाम पर जो ऐसे लोगों की बातों पर ऐतमाद करता है उसका ईमान बर्बाद हो जाता है ऐसे मर्रखीम से बच के रहो ये जो लाहौरी सवालों का इराकी जवाब है इसका कम अज कम ये हिस्सा तो दुनिया में फैला दो कि आज भी वो घड़ी हुई बातें कि अमीर मुआविया जो है वो मंबरों पर गालियां निकलवाते थे और ये करते थे वो करते थे इन इतने साल पहले इन्होंने इसका जवाब दिया कि इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है ये हाथ बे लहल खुश तर और खबीस और तयब इकट्ठे करने वाले लोग हैं उन्होंने इस तरह की बातें की हैं तो इमाम आलूसी ने इस सिलसिला में एक हवाला लिखा कि एक दिन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ने हजरत दरार से कहा हजरत दरार जमुरा ये हजरत मौला अली ताला के असहाब में से थे तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ने कहा सिर्फ ली अलिया आज अली बयान कर दे हजरत अमीर मुआविया रजियाल्लासौ पैंतीस सफा है सिर्फ ली अलिया तो उन्होंने बहुत लंबी तकरीर की और चुन चुन के फजाइल जो है वो लिखे वो इनशाला मुस्तकिल खुतबा हम उस पर देंगे जिसमें उन्होंने ये लिखा यह तो फज्जर मिन जवाने भी ही उनके पहलुओं से इल्म फूटता था वतन तिकमत मिन नवाही है उनकी अतराफ़ से हिकमत बोलती थी यानी सिर्फ जुबान से ही नहीं उनके अतराफ से बाजुओं से हिकमत बोलती थी यस्ता दुनिया वजहर आतेहा दुनिया की रंगीनी से वाशत महसूस करते थे व यस्ता अनसो बिल्ली वजुल ही रात के अंधेरे में उनको उनस महसूस होता था ये बहुत चोटी का खिताब जब किया फारा फा फमोविया रदी अल्लाह तहो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तनों की आंखों से आंसू बह निकले और वो अपनी आस्तीन से यूँ आंसू साफ कर रहे थे और कसरत बुका यानी रोने की वजह से उनका दम घुट रहा था राहिम मकला मुआविया ताला अबल हसन कान वही कजालिका फिर आपने कहा अल्लाहम करे अबन यानी हज़रत अली रदी अल्लाह तनों पर कान वाला ही खुदा की कसम बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे तुमने बयान किया जिस तरह वो सिबी हज़रत मौलाज़ी का जिस अंदाज में बयान कर रहा था